अस्सलाम वालेकुम, देसी फूड में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ बर्गर की रेसिपी शेयर करेंगे। और बर्गर की रेसिपी बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं वो कुछ ये हैं। लंबे वाले जो बन मिलते हैं बेकरी से, हमने वो मंगवा लिए हैं। आपको जितने ज़रूरत हो घर में उसी हिसाब से लीजिए। मैंने 6 अदद ले लिए हैं यहाँ पर। ऑयल ले लिया है, ऑयल हम हसबे ज़रूरत लेंगे। चटनी बना ली है हमने, शामी कबाब हैं और ये शामी कबाब की रेसिपी भी इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बीफ के शामी कबाब हैं, आप चाहें तो चिकन के बना लीजिए, लेकिन बीफ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो इसलिए मैंने बीफ के शामी कबाब बनाए। ऑयल हसबे ज़रूरत ले लेंगे हम। ग्रीन चटनी बना ली है हमने, रायते वाली जो चटनी होती है पुदीने की, हरी मिर्च की और दही की। ये हरी मिर्च की और पुदीने की चटनी है। अंडा ले लिया है हमने, 2 अदद अंडे हैं ये। और ये इमली की और साबुत लाल मिर्च की चटनी है। और खीरा ले लिया है हमने और प्याज ले ली है। मायनीज और केचप ले लिया है हमने। तो चलिए अब हम कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवे पर हमने ऑयल डाल दिया है और इसमें सबसे पहले हमने शामी कबाब जो हैं वो तलने हैं, फ्राई करने हैं। शामी कबाब हल्का सा एक कलर ही देना होता है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए आप इस तरह से अंडे में डिप करना है आपने कबाब को। कबाब को इस तरह से आपने अंडे में डिप करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह डाल देना है इसमें। ऑयल भी आपने ज़्यादा नहीं लेना, बस हल्का सा कलर देने के लिए जितना ऑयल चाहिए होता है। एक अंडा तलने के लिए हमें जितना ऑयल चाहिए होता है इतना ऑयल लिया है हमने। पलट लेंगे अब हम इनकी साइडें। इनकी साइडें, एक साइड हमने पलट ली है, साइड पक चुकी है, दूसरी साइड को भी हमने पलट लिया। और 2 चम्मच ऑयल हमने मज़ीद इस पर डाल दिया है ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये फ्राई हो चुके हैं, ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है इन पर। अब हम इन्हें उतार लेंगे। लंबे वाले बन को हमने इस तरह से सेंटर में से छुरी से काट लिया है। यहाँ से हमने इस साइड से साबुत रहने दिया है, बस आधा इसे हिस्सा इस बीच में से काट लिया है, अलग अलग नहीं किया इसे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा कलर देना है इसे हमने, कोई एक्स्ट्रा इसे ऑयल डाल के हमें नहीं वो करना, बस हल्का फुल्का सा 1 चम्मच ऑयल डाल लेंगे हम इसे, बस हल्का सा कलर देने के लिए। देखिए इस तरह का कलर आ गया है इसमें, बस इसी तरह का ही कलर हमें चाहिए। थोड़ा सा अंडा हमने फ्राई कर लिया है ज़रा अपने बर्गर को मज़ीद टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए।
शामी कबाब को हमने इस तरह से चम्मच की मदद से दबाकर फैला लिया है। इस तरह से आपने इसे फैला लेना है। इसको हमने तवे पर से उतार लिया है। अपने बन को हमने जो बर्गर हमने बनाना है उसको, और अब हम इसे अपनी जो चटनियाँ वगैरह हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो सैलेड में, जैसे आमतौर पर इसमें बंद गोभी लगी हुई होती है और प्याज लगा हुआ होता है ना बर्गर में, तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो लगाएं, जो चटनियाँ केचप आपको पसंद हो वो लगाएं। हमने ये हरी चटनी ले ली, ये हरी चटनी जो है ज़रा स्पाइसी है, तो ये जो हरी चटनी होती है जिस तरह से आप अगर स्पाइसी खाना चाहें तो उसमें नॉर्मल मिर्चें खाना चाहें तो एक मुट्ठी पुदीने में एक से दो हरी मिर्चें डाल लें, और अगर आप इस थोड़ी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप पुदीना जो है आप ले लीजिए एक मुट्ठी और पांच हरी मिर्चें ले लीजिए उसमें, और वो ग्राइंड कर लीजिए आप थोड़ा सा एक से दो चम्मच पानी डालकर। और चटनी आपने पतली नहीं बनानी, चटनी को आपने गाढ़ा बनाना है। हमने इसमें पहले सबसे हरी चटनी लगा दी, इसके बाद हमने इमली की और साबुत लाल मिर्चों की जो चटनी बनाई थी वो लगा दी, इसके बाद हमने वो रायते वाली जो चटनी है वो लगा दी। आपने तमाम चटनियों को गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है ताकि वो पानी की तरह बह ना जाए। रायते की चटनी जो हमने बनाई थी, रायता जो वो हमने बनाया था, ये लगा दिया इस पर। इसके बाद हमने अपने जो कबाब फ्राई किए थे वो लगा दिए, अंडा लगा दिया इस तरह से। जब आप कोई फ्राई चीज़ें तली हुई चीज़ें इस तरह की खाते हैं तो कोशिश कीजिए खीरा ज़रूर खाएं, उससे ये होता है कि सीने में जलन भी नहीं होती और बहुत अच्छा रहता है वो, और तबीयत में कोई भारीपन नहीं आता। खीरा लगा दिया, इसके बाद हमने प्याज लगा दी इसमें। आपको अगर बंद गोभी अच्छी लगती है सैलेड में तो आप इस तरह से प्याज और बंद गोभी को बारीक बारीक कटिंग करके वो भी लगा सकते हैं। अब हम इस पर केचप लगा देंगे, केचप हमने वो ग्रीन वाला लिया है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो लगा दिया हमने। अब हम इस पर मायोनीज लगा देंगे। ये जो रायता था, रायते की चटनी हमने बनाई थी, वो लगा दी इस पर। इसे हमने इस तरह फोल्ड कर दिया। तो इसी तरह से हम अपने तमाम बर्गर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए सेंटर में से और पेपर में फोल्ड कर लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। तो देखिए नहायत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही अच्छे, देखने में ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं, और मुंह में पानी आ रहा है, रहा नहीं जा रहा। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।